ज्यादा है वो निकाल दूंगा सारी नेता नगरी, समझ गया। अगर घर में घुस गया दूसरे का सीए है तो अलीगढ़ के ताला नगरी चौकी प्रभारी के संरक्षण में तो नहीं चल रहा है घरों में शराब बेचने का अवैध धंधा। मामले की जानकारी देने वाले पत्रकार को ही मिली एफआईआर की धमकी। अलीगढ़ शहर के ताला नगरी इलाके में एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जिसमें ताला नगरी चौकी क्षेत्र में रक्षाबंधन के दिन शराब को बेचा जा रहा था। जब एक पत्रकार को इस मामले की जानकारी मिली तो उसने तुरंत ही चौकी प्रभारी को अवैध तरीके से शराब बेचने की खबर दी। इसके बाद जो हुआ वह सुनकर आप सभी हैरान हो जाएंगे। चौकी प्रभारी द्वारा एफआईआर लिखवाने के लिए अवैध शराब वाले को बोलने लगे कि तुम मेरे चौकी आओ, मैं इसके खिलाफ एफआईआर लिखूंगा। ज्यादा है वो निकाल दूंगा सारी नेता नगरी, समझ गया। अगर घर में घुस गया दूसरे आखिर यूपी पुलिस के इस कारनामे का क्या कारण हो सकता है? क्या वे खुद इस अवैध तरीके से बेचे जाने वाली शराब का हिस्सा हैं? आखिर प्रशासन ने इस अवैध धंधे को बंद कराने की जगह क्यों बढ़ावा दिया? क्या इस तरीके से शराब बेचने वालों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जानी चाहिए? क्या प्रशासन खैर क्षेत्र में जहरीली शराब से मरने वालों की घटना में लोगों को भूल गए हैं? आखिर क्या कारण है ऐसे अवैध धंधे चलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई ना कर सूचना देने वालों के खिलाफ भी स्वयं एफआईआर लिखने की बात कर रहे हैं? पूरा मामला हुआ सोशल मीडिया पर वायरल। देख ले। एक ही दवा है ना, हतना है, हतना है। क्या करें फिर बताओ? कोई हो तो आ रही है ऐसा त्योहार हो ना, हम गए ना जी जी फीजे हैं भैया, खत्म है फूटो त्योहार है कि तो हमारे मिले हुए आ रहे हैं तो जा हमारे दे दे तो एक और निकाल देती ना, हतना भी तुम्हारी सब नहीं है। अच्छा मैं अंदर नहीं घुसी हुई तो भाई साहब ए निकाल दे। अच्छा तुम देख लो, चलो तो भेजा हुआ रख लो, ले जाओ रख लो, मत देख तमाम काम नहीं चले वो बात है। देख लो, देख रहे हो बुआ। अब क्या पैसा देने तो? 100 दे दे। पूरे दे दे? अपने बोलो बाइक ना, बाइक ना इनके खिलाफ मुकदमा लिखवाओ। फिर ब्लैकमेल कर रहे हैं क्या? देखो घर में ज्यादा है वो निकाल दूंगा सारी नेता नगरी, समझ गया। अगर घर में घुस गया दूसरे का सीए है तो मैं निकालू, देखा अपने